Children, we are very lucky to have Mrs. Nafisa Kachwala, former Assistant Commissioner, Mumbai Region, Mumbai. She was with us till March 2020. In March 20, she has taken voluntary retirement and now she is in United States of America in Houston City with her children. When I asked her to join the meeting, very readily she accepted my invitation. She is a teacher in true sense. For a long, long time, she was in Kendra Vidyalaya Sangathan. I think if I'm not wrong, from 1994. She has served in all the capacities as a teacher, as a primary teacher, as a secondary teacher, as a senior secondary teacher, as a principal, and now as a assistant commissioner. She has a genuine interest in teaching and having connectivity with the students. Because of that, she is there today on the platform as a counselor. She will tell you the actual lifetime personal experiences, her personal story, which will definitely motivate you. It's a counseling session. And more than a counseling session, it is a motivational talk for you all. Thank you very much, ma'am, for coming. Thank you. इतने जो प्लैनेट्स है, ये जो यूनिवर्स है, आप ये जो ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे, है ना, पढ़ते हैं ये सारे, ये मिनट टू मिनट जो उसका मूवमेंट है, कैसे चलेगा, कैसे नहीं टकरा रहे एक दूसरे से, मतलब नॉट ओनली इनसाइड योर बॉडी बट आउटसाइड इन द होल वर्ल्ड. आप देखो कि जितनी कॉम्प्लेक्स की पूरी दुनिया है, वो किसी आम आदमी के लिए तो बस में नहीं. आदमी ने तो ऐसा कर दिया, इतना उसका नाश कर दिया, है ना, कि आज हमारी ये हालत है कि सबको हमको घर में बंद रहना पड़ रहा है और 6 महीने से हमारे पास ना उसका इलाज है, ना हमारे पास कोई कुछ है. हमारे बस में अगर होता तो हम ऐसा उसको इस दिशा में ले जाते. तो हमें उस दिशा में जाने के लिए वी हैव टू बी द फर्स्ट थिंग आई टोल्ड यू, यू हैव टू फाइंड अ इन द मॉर्निंग यू हैव टू क्लियर एवरीथिंग क्लटर. द सेकेंड थिंग इज ग्रेटिट्यूड, thankful for everything, find a way yourself and with a very positive bent of mind. Once when you enter your classroom, whether it's through Zoom or whether the physical classroom, you know your purpose, then you know your life, what you are meant to do, kya karna hai, and there is peace in your mind. Jab peace se kaam karoge so aapko koi bhi ye takleef hogi nahi ki kya karna hai, koi complex situation aayegi hi nahi. राइट. द थर्ड थिंग सभी ने आपको बोला होगा, हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी. ये कहते तो सभी है, सभी कहते हैं ना हार्ड वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है, पर ऐसा लगता है कभी कभी आप लोगों को कि किसी किसी को तो बाय लक कुछ कुछ मिल जाता है, बहुत लकी होते हैं. दैट इज स्लाइटली अ लक एंड स्लाइटली सम हार्ड वर्क मे बी. अच्छा, कभी हार्ड वर्क कभी, पर लगता है कि हाँ किसी किसी को वो तो इसका बेटा था तो उसको तो बिजनेस, जैसे अंबानी है, राइट, अंबानी का तो कि कितना हार्ड वर्क उसमें कितना गया है, एंड वी डू नॉट नो द एंड ऑल्सो. ठीक है, आज हम इतने ऊपर है, बट द थिंग वंस अ थिंग व्हेन इट गोज अप इट हैज टू कम डाउन ऑल्सो. At some point of time तो नीचे आएगा ना, कभी ना कभी तो आएगा कोई चीज, है ना. ऊपर कंसिस्टेंसी, अगर ऊपर रहना है तो उतनी ही कंसिस्टेंस के साथ काम करना पड़ेगा जितना अर्लियर ईयर्स में गया था, जितना मोमेंटम क्रिएट हुआ था उसको ऊपर ले जाने में, उतना वहां उससे ज्यादा जोर लगेगा वहां बनाए रखने में, है ना, क्योंकि वहां जाके तो पुश एंड पुल बहुत दिशाओं से आ रहा होगा कि अभी इनको तो गिराना है तभी हमको वो पहुंचना पड़ेगा. जब नीचे से आप ऊपर जा रहे हो तो आप एक ही दिशा में जा रहे हो, आपको ऊपर जाना. अब जब आप ऊपर पहुंच गए हो तो कई दिशाओं से आप पे प्रेशर आ रहा है, आपको नीचे गिरा के दूसरों को ऊपर आना है उस जगह पे, जगह बनाने के लिए. तो आपको उतनी लेबर नहीं लगेगी, कितनी लगेगी, उससे ज्यादा लगेगी, क्योंकि वहां बने रहना है. राइट. सो मेहनत कहीं भी है, कभी भी है. अब अंबानी से पूछो कि वो खा क्या सकते हैं, है ना, खाना वही है, दो रोटी और दाल और सब्जी, खाना सभी को उतना ही है.
ही दुनिया के अमीर हो जाए चाहे जो भी हो जाए, तो खाना जब उतना ही है हमें, तो एक बात और ध्यान में रखनी है कि हमारे जो मीन्स है उधर तक पहुंचने के लिए वो ईमानदारी वाले हो, है ना। ऐसे ना हो कि जिसमें हमें बाद में जवाब देना पड़े और बाद में पछतावा भी हो कि हमने ऐसा काम क्यों किया। फॉर एग्जाम्पल, अब आपके लेवल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्स में भी हम चीट ना करें, ये कोशिश करें कि सारे अपने काम अपने आप करें, नहीं तो हमें ही भरोसा नहीं होगा। पास तो हो जाओगे आप, ब्रिलियंट मार्क्स भी ले लोगे एग्जाम में, है ना, कॉपी करके, चीटिंग करके, कैसे भी करके आपने अच्छा रिजल्ट पा लिया। लेकिन व्हाट हैपेंस द मोमेंट यू गो आउट इनटू, ये मार्क्स लेना ये सब कहाँ काम आएगा आपको ये सारे मार्क्स? जॉब वर्ल्ड में जाना है आपको, बाहर जाके अपने आप को प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव ये ओके। और वहां जैसे ही इंटरव्यू में आप बैठे और आपने अपना मुंह खोला और आपने जितना ही आपका नॉलेज बताया, सामने वाले को आपको लगता है कि पता नहीं चल जाएगा आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है? दे आर नॉट फूल्स सिटिंग देयर ना, फूल्स होंगे तो वहां बैठेंगे नहीं, राइट? सो दे आर नॉट ऑल फूल्स ओवर देयर। सो कहीं ना कहीं तो वो अगर आज पकड़ में नहीं आया, आज आपने मार्क्स ले लिए, ओके फाइन गुड, उसके बाद क्या होगा, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? ये ऐसा तो कहीं भी वो काम नहीं है। फिर क्या होगा कि अच्छा आपने 3-4 इंटरव्यूज ऐसे दिए और 3-4 इंटरव्यूज में जब आप सक्सेसफुल नहीं होते हो तो पांचवा वाला ऑटोमेटिकली सोचेगा, अरे यार इतना ब्रिलियंट अच्छा मार्क्स लेके भी ये बंदा आज तक अनएम्प्लॉयड क्यों है? फिर वहां से क्या होगा, शुरू होगा डाउनफॉल। आ गया समझ में? क्योंकि पांचवे को समझ में आ गया, छठे को और भी समझ में आ जाएगा। तो ये है, इसके लिए मैं जो कहती हूँ कि हार्ड वर्क जहाँ है वहां लगाना चाहिए, अपना काम खुद करना चाहिए, अपना सिलेबस जितना है उतना एक बार तो इंश्योर करो कि हम पूरा सिलेबस पढ़ ले, बैक टू बैक, कवर टू कवर, इतना तो कर ले। उससे एड ऑन, उससे रिलेटेड मैडम कितने वीडियोस आपको देती होगी, मैडम कितना सारा रिलेटेड आपको सब देती है, वो सब उसको ऐड करता है, वो जो नॉलेज है उसको एनहांस करता है, ताकि जब आप लिखो तो उसमें एक कंटेंट आए, आपका इतना फ्लावरी कंटेंट आए कि पढ़ने वाला मुग्ध हो जाए, है ना, कि उसको मार्क्स देने के अलावा और कोई उसके पास चारा ना रहे। तो रीडिंग सबसे ज्यादा करनी चाहिए, रीडिंग के लिए मैं बहुत इंसिस्ट करूंगी। लाइक मेरे भी घर में ये जब मैं यंग होती थी 11-12 में, मुझे याद है मुझे बहुत नॉवेल्स पढ़ने का शौक था, इतनी नॉवेल्स पढ़ती थी, मेरी मम्मी बहुत गुस्सा होती थी बहुत ही, क्या पढ़ती रहती है। बट आज मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उतनी रीडिंग करने से मेरी इंग्लिश बहुत फ्लुएंट हो गई, इतनी फ्लुएंट हो गई कहीं भी मुझे कुछ लिखना है तो मेरा हाथ चलता है। अब मुझे सोचना नहीं पड़ता, आई डोंट हैव टू थिंक, सोचना ही नहीं पड़ता मुझे कि मुझे लिखना क्या है, बिकॉज इतना पढ़ते 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 ऑटोमेटिक हो गया वो सारा। अब ये लिखना है ओके, ये लिखना है ओके, कुछ भी लिखना है तो इट जस्ट कम्स ऑटोमेटिकली। तो कोई भी चीज आप करते हो, कोई भी काम करते हो, वेस्ट नहीं होता है। आप कई बार ऐसा सोचते ना, ये करने से ऐसा हो जाएगा, ये करने से ऐसा। मेरी मम्मी का कहना था कि नहीं ये तुम टाइम वेस्ट कर रही हो, ये जो पढ़ रही हो तुम, ये नॉवेल्स में क्या रखा है। बट सी आई एम टेलिंग यू एट दिस पॉइंट कि वो एक हेल्प किया मुझे मेरी लैंग्वेज सुधारने, जो स्कूल में नहीं सुधर पाई थी। कई बार केवीज में भी ऐसा होता है, हमारी इंग्लिश थोड़ी सी वीक रह जाती है, यू नो, बिकॉज प्राइमरी से हम आते हैं, बाइलिंगुअल चलता है, सब हिंदी में भी चल रहा है, अभी मैं भी हिंदी में ही ज्यादातर बोल रही हूँ, राइट? सो बाइलिंगुअल होते होते वो इंग्लिश की इतनी आदत हमें रहती नहीं है, तो केवी में भी थोड़ी, बट दिस इज अ वेरी गुड वे। एंड एक लैंग्वेज ही ठीक नहीं होगी, पढ़ने से आपका नॉलेज भी बढ़ता है। आप कोई भी इंटरव्यू में कहीं भी जाएंगे आप अप टू डेट रहेंगे। एक और आदत बनानी है डेली की कि न्यूज़पेपर पढ़ना ही है आज का, पढ़ के सोना है। यू नो, कभी मुझे सुबह टाइम नहीं मिलता, यू वोंट बिलीव, मैं कहीं से बाहर से 12 बजे भी आऊं, मेरे बेडसाइड के पास मेरा पेपर पड़ा रहेगा। उस दिन का पेपर जब तक मैंने नहीं पढ़ा वो रद्दी में नहीं जाएगा। सो एवरी डे यू नीड टू अपडेट योरसेल्फ कि दुनिया में क्या हो रहा है, मेरे साथ ही नहीं, मेरे घर के साथ, बिकॉज वी आर अ सोल ऑफ दिस होल वर्ल्ड। इस दुनिया में अगर हमें पता नहीं है तो हम कर क्या रहे हैं, हम फालतू में ही ऐसे बस सांस ले रहे, खाना खा रहे, जी रहे हैं। दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ लाइफ।
है ना, फाइंड अ पर्पज फॉर योरसेल्फ, फाइंड अ पर्पज एंड देन गो फुल स्टीम बिहाइंड इट. अपनी स्ट्रेंथ्स को पता करो, अपनी वीकनेसेस को पता करो. ओके, एंड वीकनेस है उसको जितना हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है. लाइक आई टेल यू, मेरी वीकनेस थोड़ी मैथ्स थी. एक जमाने में मैथ्स इतना नहीं समझ में आता था, पर मैंने उतना वीक नहीं रखा उसको कि मुझे तकलीफ ही हो. जितना मैं कर सकती थी आई डिड अबाउट इट, और जो मेरी स्ट्रेंथ थी उसको लेके आगे बढ़ो. सो वो पहचानने के लिए भी यू हैव टू क्वेश्चन योर सेल्फ, अपने अंदर देखना होगा ना. और ये देखना कब होगा आपका, जो मैं सुबह बोल रही हूँ आपको, 2 मिनट बैठने के लिए बैठ सकोगे? 2 मिनट, कैन एवरीवन सिट? यस मैम. यस मैम, है ना, अपने आप के लिए तो इतना तो कर सकते हैं कि इतना उठ के भागने के बजाय थोड़ा हम खाली कर ले पहले, क्या है आज का दिन, क्या करना है क्या नहीं करना है, थिंक अबाउट ऑल द गुड थिंग्स गॉड हैज गिवन अस, थिंक अबाउट दैट, पे योर ग्रेटिट्यूड एंड gratitude from your heart for your parents, for your teachers, for all that they have provided with you, and then start off your day with hard work, with labor. Then I told you about reading. Now, आप लोगों के कोई particular problems है जो आप solve करना चाहते हैं? कोई चीज है जहाँ आप अटक रहे हो? Do you have any question related to the counseling or related to your personal problem? You can ask ma'am. Yes. She will tell you. काम करने का मन नहीं करता है कि फोन पे लगे रहते हो? फोन पे तो मैं बिल्कुल नहीं होता, कलम खोली काम टालते रहते हो. हाँ, तो अभी ये टालते हो, क्या टालते हो? होमवर्क करना टालते हो? नहीं मैं होमवर्क के टाइम पे तो ऐसे कोई भी काम दिया है तो मतलब सोचता हूँ कल कर लूँ, कल कर, तो करते करते कर ही नहीं पाता हूँ. जब टाइम आता है जब ऐसे करता हूँ तो फिर उस समय प्रॉब्लम हो जाती है, और फिर जब जल्दी में काम रहता है तो काम बिगड़ जाते हैं. और मैं अच्छा फिर जल्दी जल्दी में करते होंगे जब, या तो फिर लास्ट मोमेंट फिर इससे कॉपी कर लिया, उससे देख लिया, उससे देख के कर लिया, ऐसा करते होंगे, है ना? राइट, तो ये इसमें प्रॉब्लम यहाँ है. अगर अपने आप को आंख बंद करके 2 मिनट पूछोगे तो ये पाओगे कि आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये मुझसे ठीक होगा कि नहीं होगा, ये मेरे पास इतनी स्किल्स इस काम को पूरा करने के लिए है या नहीं है. एम आई राइट? कहीं ना कहीं ऐसा तो होगा कि ये, और अगर मैं कर भी लूंगा तो इसमें मुझे पूरे नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे. शायद मैं उससे देख के लिख लूं तो मुझे ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा करने से मुझे कम मिलेंगे, मेरे अपने आप करूंगी. तो ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, लेजीनेस नहीं है एक्चुअली, प्रोकास्टिनेशन है. इफ्स एंड बट्स जो इंसान सोचता रहता है ना दिमाग में अपने, कि ऐसा करने से ज्यादा मार्क्स नहीं आएंगे, ऐसा करने से मैं इम्प्रेस करूंगा ज्यादा, और ये करते 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 एक लेयर ऑन लेयर लेयर ऑन लेयर हीप लग जाती है, यू नो, क्योंकि पहले से ये आदत बन जाती है. तो आदत करते करते फिर अपने आप काम करने की आदत छूट जाती. गॉट माय पॉइंट? ये है, इसीलिए इसको लेजीनेस नहीं बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं कि वहां मतलब इंसान का जो दिमाग है ना वो चारों दिशा में चलता है. तो उसको लगता है कि मुझे तो गुड बुक्स में रहना है अपने टीचर के, मुझे ये इम्प्रेस करना है अपनी मैडम को, और इम्प्रेस कैसे करूंगा, अच्छा दिखाना है इसको. अच्छा कौन करता है क्लास में? ये फलां करता है, धमाका करता है, ये दोनों जन अच्छे, राइट? सो इजंट इट योर माइंड इज वर्किंग इन दैट वे, है ना? इसलिए तो अब सबसे पहले तो अपने आप पे तो विश्वास जगाना है ना, कि एक बार तो मैं झेल लूंगा, थोड़े कम मिले लेकिन पता तो चले कि मैं कर कितना पाता हूँ, मैं कितना अच्छा करता हूँ या करती हूँ, राइट? एक बार तो मैं कर लूँ. सो यू हैव टू ब्रेक दैट जिंक, उसको इसको एक बार तो इसको तोड़ना पड़ेगा, इस जो साइकिल को, ये पूरी साइकिल चल रही गोल गोल, उसको तोड़ के अपने आप करने की आदत डालनी. हार्ड वर्क यहीं आ गया तुम्हारा, है ना? और थोड़ा रेफरेंस मटेरियल देखो, इधर देखो उधर देखो, एक दो इंटरेस्टिंग बातें उसमें डालो, जो भी होमवर्क करना है उसमें कहीं से थॉट निकालो. आजकल तो तुम्हारे पास गूगल बाबा है, इतनी सारी चीजें उसमें से मिल जाती है जो एडिशनल आप डाल सकते हो. आप नहीं, पूरा टीपने की भी जरूरत नहीं है, मतलब इंस्टेंट जवाब है. हमारे जमाने में तो पहले लाइब्रेरी जाना पड़ता था, उससे रिलेटेड बुक्स को खोजो, फिर उस बुक के अंदर से खोजो. यहाँ तो आपने टॉपिक डाला नहीं, उसी टॉपिक के रिलेटेड ही आपको
पेज के पेज मिल जाएंगे, पेपर्स मिल जाएंगे, तो आपका काम तो बहुत आसान हो गया। फिर भी अगर आपको लगता है कि लेजीनेस है, तो वन थिंग इज देयर कि अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है, और एक बार इस जो साइकिल में आप घूम रहे हो अच्छे मार्क्स के और इम्प्रेस करने के, उसको तोड़ के एंड यू हैव टू कम आउट ऑफ, राइट? सो दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आर यू सैटिस्फाइड विद दैट आंसर? यस मैम, यस। लग रहा है तो आप तोड़ पाओगे इसको। One thing very good that he knows what is. Yes, ma'am. Why not, ma'am? And once you know the weakness, you can sort out on your own if you work on it slowly, है ना? Yeah. कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाना है और अपनी मेहनत से खुद ही करो। लाइक यू नो, आई विल टेल यू वन थिंग, हमेशा ही मुझे ऐसा लगता था, पता नहीं क्यों, एग्जाम में भी और कई बार ऐसे मौके भी आते थे, हम भी स्टूडेंट्स रहे हैं, आपकी उम्र के उस तरफ भी थे, अभी इस तरफ आ गए, अलग बात है कि मौके मिलते भी हैं कि इसके आंसर क्या लिखा उसने लिखा, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस देखो आप, मुझे ऐसा लगता था कि मुझसे अच्छा तो कोई लिख ही नहीं सकता, चाहे रॉन्ग भी हो पर क्वेश्चन तो मुझे, मेरी फीलिंग ये होती थी कि नहीं, आई वुड राइट द बेस्ट, उसे देखना है तो मेरे में से देखें, मैं उसमें से देख के नहीं लिखूंगा। ये दिस इज व्हाट इज कॉन्फिडेंस इज, इसको बोलते हैं यू नो। सो ये आना चाहिए अपने आप में, चाहे रॉन्ग भी हूँ तो मैं ही करेक्ट हूँ, मैंने ही सोचा। आई रियली एम टेलिंग यू, आई वुड आर्ग्यू विद माय केमिस्ट्री टीचर और कितने लोगों के साथ कि नहीं यही करेक्ट है जो मैंने लिखा है, मतलब ये, और मैं उसका पूरा लॉजिक लगाती थी कि ऐसे 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 करके वो पूरा उसका एक्सप्लेनेशन देती थी। सो आई वुड ऑलवेज फील कि आई एम नॉट रॉन्ग, ये इसको कॉन्फिडेंस बोलते हैं। आपने इतना पढ़ा है कि आप अपने टीचर से आर्ग्यू कर सकते हो, यू रीड मोर देन योर टीचर एंड यू गो। ये टीचर आपको पता है कि कल रेनेसांस पढ़ाने वाली है, तो आप आज पढ़ के जाओ ना, आज पढ़ के जाओ, देन यू सी द फन इन द क्लासरूम, आपको कितना मजा आता है। I'm really telling you, you will enjoy it, because then what you are doing is you are judging your teacher. Teacher ko pura aata hai ki nahi? Am I right or am I wrong? है ना, क्योंकि आपने एक बार पढ़ा है तो आपको मालूम है कि इसमें है क्या। तो ये जो बात मैडम बता रही है वो सही है, और अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो यू आर रेडी विद योर क्वेश्चन ऑल्सो, है ना? आपका अगर कोई डाउट है तो वो आपका डाउट भी वहां क्लियर हो जाएगा। सो यू हैव टू बी स्टे वन अप, एक स्टेप कदम ऑलवेज आगे रहो दूसरों से, यू नो। और वो एक कदम आगे कैसे होगा, आपके पार्ट पे थोड़ा सा लेबर होगा, है ना? आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, उसका प्रिपरेशन करके जाना होगा, थोड़ा सा प्रिपेयर करके जाओ, यू विल बी वन अप देन एवरीबॉडी एल्स। और ऐसी कोई बात नहीं है दुनिया में कि दूसरा कर सके और आप ना कर सको। जहां कोई आपको ऐसा चैलेंज दे ये काम तुमसे नहीं होगा, वो तो करके दिखा दो तुम, यू नो। आप मानोगे नहीं, लाइक मेरे गोल्स में ऐसा कोई गोल नहीं था कि मुझे प्रिंसिपल बनना है, कि मुझे ये बनना है, कि मुझे वो बनना है। जस्ट अ फैक्ट दैट किसी ने आके मुझसे कह दिया था कि तुम तो ये नहीं कर पाओगे, तुम तो पीजीटी नहीं बन पाओगे, किसी ने मुझे ये भी कहा था, ओके। सो जस्ट टू प्रूव, मेरे मन में मैंने ठान ली कि इतने सारे तो पीजीटीज हैं, ऐसी क्या बात है कि मैं पीजीटी नहीं बन पाऊंगी, लाइक व्हाई आई विल नॉट बिकम। सो टेक इट अ चैलेंज। आजकल के बच्चे सब चैलेंज लेते हैं ना, बहुत 21 डे चैलेंज, 10 डे चैलेंज और एक्सरसाइजिंग चैलेंज, राइट? सो आप लोग भी यू टेक इट एज अ चैलेंज, बताओ मत दुनिया को कि मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन अपने मन में उस बात को गांठ बांध लो कि अगर किसी ने कहा कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो मैं तो अब ये बात तो करके ही दिखा दूं, और इसमें अच्छी बातें लेना है, इसमें गंदी बातें नहीं लेना। दूसरी बातें तुम ये नहीं कर पाओगे, कोई उकसाने, कोई दूसरे ह्यूमन बीइंग ने वो काम किया है तो आप भी उस काम को कर पाओगे, कर सकोगे। ऐसा कोई भी काम मुश्किल नहीं है, कोई भी चैलेंज ऐसा नहीं है जो आप पूरा नहीं कर पाओगे। इट इज ओनली द वे कि आप उसको कैसे लोगे, आप उसको एक्सेप्ट करके किस तरह से उसको पॉजिटिव वे में लेके आगे बढ़ोगे। ये नहीं है कि हमको किसी को नीचा दिखाना है, नहीं, अपने आप को ही प्रूव करना है हमें कि ओके, ये काम हम भी कर पाएंगे, वो भी कर पाएगा, उसने किया है तो हम भी करेंगे, ओके। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। Anushka was asking some question. Anushka, please. Yes, Anushka. Ma'am, I wanted to ask, I am preparing for CLAT right now. I want to give a law entrance exam. Mm-hmm. So, I
question was, I cannot maintain a balance between school studies and the class studies. When I start studying both the subject, I end up studying nothing. You end up? I end up studying nothing. It's like nothing. I complete half. It's like I read everything, but then in the end, it, nothing goes inside my brain. Oh, okay. So I find it very difficult to focus on both of them. Both so. The give any advices on how I should do maintain both. You will have to make a timetable. But to banaya hi hoga apne ki 2 hours for this or 2 hours for that. Then after doing that, I made the timetable, but then I lack the determination to follow it every day. कभी कभार तो आगे पीछे हो जाता है बट मेक इट अ पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बनाया कि 2 से 4 ये और 4 से 6 ये, राइट, 2 से 4 स्कूल, सपोजिंग कहीं किसी कारणवश आपका पूरा शेड्यूल आगे चला जाता है, मेक इट अ पॉइंट कि उस दिन 12 बजे तक आप उसको पूरा करके सो. कभी भी इधर आपका 1 घंटा गया, आधा घंटा गया, उसको आपको वहां करना है. एक बात तो ये, दूसरी बात ये, अक्सर हम ये करते हैं के स्कूल्स की जो स्कूल की परेशानियां है या स्कूल के जो भी प्रॉब्लम्स है या घर के जो चीज है वो लेके स्कूल चले जाते हैं. स्कूल की चीज, अपने दिमाग को कंपार्टमेंटलाइज करो. कंपार्टमेंटलाइज मींस कि अभी इस वक्त हम इस जूम में हैं तो आपका पूरा फोकस जूम पे होना चाहिए. कि आप यहाँ बात कर रहे हो तो आपका अटेंशन ये नहीं कि वहाँ चाय चढ़ाई हुई है उसमें थोड़ा दूध डाल के आओ, उसको वो ब्रेकफास्ट देना है तो वहां वो भी करके आओ, तो आपका फोकस यहाँ नहीं होगा. तो एक बार में आप इस कंपार्टमेंट में हो कि अभी आप क्लैट का काम कर रहे हो तो आप उस क्लैट में, ये विद प्रैक्टिस आएगा आपको कि अभी आप उसी पे फोकस कर रहे हो. आसपास की कोई चीजों को, आपको मम्मी आवाज दे रही है, आपकी फ्रेंड बुला रही है आपको, उसने मैसेज डाला है, उसने इंस्टाग्राम पे अच्छी पिक अपलोड की है, उसने वहां फेसबुक पे कुछ डाला है, नो, आपको 2 आवर्स वो कंपार्टमेंट में रहना है क्लैट वाले. उसमें से जब बाहर निकले तो उसको छोड़ दो कंप्लीटली, उसको ताला लगा दो, फिनिश, डन विद इट फॉर द डे. देन नेक्स्ट चीज, जिसमें भी आओ पूरे ध्यान से, पूरे आतुरता से, पूरे लगन से, पूरे पैशन, एक वर्ड होता है पैशन, ये पैशन जब आपके अंदर घुस जाएगा ना किसी चीज का तो फिर आपको वो छोड़ेगा नहीं. जब तक ये पैशन एक एक आग की तरह होता है, एक एक स्पार्क, बस वो एक जल जाना चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि अब मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है. द डे यू हैव दैट पैशन फॉर अ थिंग, देन आपको ये कंपार्टमेंट भी इजीली आ जाएंगे कि अब मुझे ये करना है. तो अब ब्रेकफास्ट बनाने जाओ तो फिर आप उस पे ही ध्यान दो. खाना खा रहे हो तो खाने पे ही ध्यान दो कि ये इसमें मैंने आज के इनफ अपने प्रोटीन्स है, इतनी कैलोरीज है, इतना ये है कि नहीं है, उसी को अच्छे से चबा चबा के कैसे उसका डाइजेशन होना है. सो पे अटेंशन. अब खाना खाते समय भी फोन हाथ में लेके ऐसे बच्चे या पेरेंट्स सभी बैठे होते हैं आजकल, मैं ये देख रही हूँ टेबल पे भी वो लगा था, और उसी में ऐसा समझते हैं कि हम मल्टीटास्क कर रहे हैं. मल्टीटास्किंग कोई चीज नहीं होती है. नो, योर ब्रेन एक ही चीज पे फोकस अटेंशन करो तो वो अच्छे से होगा. सो इन दिस वे आप अपना, जब एक चीज कर रहे हो तो आपका दिमाग कहाँ जा रहा है, दूसरे में जा रहा है. दूसरा कर रहे हो तो पहले में, ये मैंने पूरा किया कि नहीं किया, डोंट डू दैट, है ना. वो उसमें फोकस करने की, उसी पे लाने की. और ये छोटी छोटी बातों से करो, जैसे मैंने बताया खाने पे पहले शुरू करो, खाने पे और कोई चीज नहीं, खाने पे ही फोकस करो, उसी की बात करो, उसी पे सोचो, उसी पे ध्यान दो. When you are sleeping, go to sleep absolutely. बंद करो इसको. मैं पूरा, मेरा पूरा रात भर सुबह तक फ्लाइट मोड पे रहता फोन, कोई टिंग टुंग डंग डुंग कोई आवाज नहीं आएगी, नथिंग एक्सेप्ट द अलार्म फॉर वेकिंग अप. So you got your answer? Yes, ma'am. I have another question. Yeah, ma'am. I tried making a daily timetable, but then I didn't follow it properly. So then I shifted to a weekly timetable. I decided that I have to complete 6 chapters in a week. If suppose I couldn't do the assigned chapter on Monday, I did it on Tuesday with the second chapter as well. So which timetable would you suggest is much better, daily timetable or a weekly timetable? डेली होना चाहिए वैसे तो, वीकली तो एक मेजर प्लान भी होना चाहिए. मेजर प्लान ये कि मैंने अपने एग्जाम्स के लिए ऐसा किया था कि अभी नाउ आई हैव गॉट दिस 2 मंथ्स, लास्ट 2 मंथ्स का मैंने टाइम टेबल बनाया था, दिसंबर जनवरी, तो उसमें वीक्स अलॉट किए थे. एक वीक में एक पूरा सब्जेक्ट का होगा, वीक था. अब वीक के साथ फिर आपको अगर एक वीक में एक पूरा सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री, तो उस हिस्ट्री में फिर मंडे क्या, ट्यूजडे क्या, वेनसडे, फिर डेली भी आएगा.
तो एक ओवरऑल बड़ा प्लान भी होना चाहिए और डेली का छोटा प्लान भी होना चाहिए, क्योंकि उसको तो सब डिवाइड तो आप करोगे ना, हिस्ट्री पढ़ना है ठीक है, लेकिन हिस्ट्री में क्या कौन सी चीज आप करोगे, तो मंडे क्या, ट्यूसडे क्या, वेनेसडे क्या, थर्सडे क्या, तो नॉट ओनली एन ओवरऑल, क्योंकि आपके पास पांच सब्जेक्ट है, पांचों के बराबर आपको 100 मार्क्स मिलने हैं, आपको फोकस उस पे करना, फिर आपको अपनी वीक एरियाज, ग्रे एरियाज, स्ट्रॉन्ग एरियाज देखना है, किसी चीज को आपको जहां आपके वीक एरियाज है उसको ज्यादा टाइम देना, 2 वीक्स दोगे, जो आपका अच्छा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको आप 1 वीक दोगे, तो आपका वीकली भी चलेगा एंड डेली भी चलेगा, दोनों आपके पास आना चाहिए, राइट? सो एक ओवरऑल बड़ा है ओवरलुक आपका, ताकि पूरा ही एंड तक मार्च तक आपको वो कहां ले जाएगा, आपको अच्छी दिशा देगा, नॉट ओनली दिशा देगा, आपको अच्छे मार्क्स दिलवाएगा, राइट? सो यू हैव टू प्लान बोथ द वेज एंड यू हैव टू स्टिक टू इट, ठीक है? थोड़ा लेट, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, मेकअप फॉर इट, कवर करो उसको, राइट? कि आज चलो अब खेलने चले गए, थोड़ा टाइम हो गया, कभी ऐसा हो जाता है, तो उसको अब मैं पूरा कैसे करूँ, तो उसको पूरा करना है, यू सी टू इट कि आप कर लो उसको. Any more question? Any other? Yes, ma'am. Yeah, ma'am. I wanted to ask you something. Actually, not even asking, I just wanted a suggestion that from like past many months I've been very toxicating. I feel myself that I'm being very toxicating. I've got many negative thoughts related to some past events happened with me. And because of that, I think I'm very toxicating and I feel I hurt people around me. I feel, yeah, people around me are affected because of me, because of my toxicity. So yeah. I feel very low sometimes and end up with some anxiety happening with me. And that is a very weird thing happening during this period only. This period, when you are inside the house, when you are not able to go out much, right? First thing is you keep yourself busy the whole day, okay? And busy with all the good things. Whenever you have time in between also, listen to some good people, some good talk. These days, you have talks by Sadhguru for students, talk by Sri Sri Ravi Shankar and all that. So they also have good advice. So always think to those positive things. And one of the main focus of your life is whatever is gone, past khatam ho gaya. You have to learn from the past and move ahead. So, हो सकता है कि गलती हुई, किसी से भी, हमसे भी होती है, सभी से गलतियां, nobody in this whole world, nobody is 100% correct. Everybody makes mistakes. But what happens? जैसे शेक्सपियर ने कहा है, क्या कहा है? Nothing is either good or bad. Thinking makes it so. एक चोर भी जो होता है वो बुरा नहीं है, है ना? उसके हालात में जाके, उसके जूते में अगर हम पैर डालेंगे, उसके साथ जैसा बीत रहा है, जिस सर्कमस्टांसेस में, जिस हालात में वो चल रहा है, ओके, हो सकता है कि उस हालात में अगर हम भी होते तो शायद वही हमारा डिसीजन, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें चोरी करना, आई एम नॉट सेइंग दैट. आई एम सेइंग कि उसके जो हालात है उसके पास शायद कोई ऑप्शन नहीं बचा एंड द लास्ट थिंग वॉज कि उसको चोरी. तो चोरी करना बुरा वहां नहीं माना जाएगा. उसको भूख लगी थी तो उसने एक कहीं से केला चुरा लिया या पाव चुरा लिया या जो भी है, ओके, उसको अपना पेट भी तो भरना था, उसके पास नहीं था, उसने मांगा, किसी से नहीं मिला, कहीं से नहीं मिला, काम नहीं मिला, जैसे कि सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं. सो नथिंग इज आइदर गुड और बैड. Thinking makes it so. तो कई बार क्या होता है, हम अपने आप को बहुत ही strictly judge करते हैं. अब ये मैंने बुरा नहीं, अच्छा नहीं किया, ये अच्छा नहीं किया. Don't be so harsh on yourself. Never to be harsh on yourself. Okay? हालात होते हैं हमारे. अभी इस समय जो हमारे हालात है उसमें जो हमारी समझ है, उस limited समझ के साथ हमने जो action करना था वो best action किया है. हो सकता है यही हालात बदल जाए, है ना? साल में, एक साल में, छह महीने में ये हालात तो बदलते ही रहती है ना? Circumstances keep on changing and when the circumstances will change, हो सकता है कि हम उस चेंज सर्कमस्टांसेस में डिफरेंट डिसीजन लेंगे, बेटर डिसीजन लेंगे, अदर डिसीजन. उस समय वो भी करेक्ट होगा और जो हमने पास लिया था वो भी करेक्ट था, क्योंकि तब सर्कमस्टांसेस वैसे थे. सो डोंट बी, नेवर बी हार्श, नेवर जज योरसेल्फ. जो हो गया
उसको छोड़ दो पीछे, पोटली बना के पीछे का, कल का पीछे छोड़ दिया, उससे लेसन लर्न करके आगे बढ़ो। लगता है कि वो गलत था, आपको लगा कि गलत था, ओके मूव अहेड। और ये सोच लो कि अभी वो जो गलती की थी वो तो आगे तो नहीं करूंगी मैं कभी, नेवर, डोंट फॉरगेट दैट लेसन। लेसन को भूलना नहीं है। और कभी भी हमारे जो भी एक्शंस है या डिसीजंस है उसके लिए दूसरों को जिम्मेदार मत बनाओ। टॉक्सिसिटी जब आएगी तब आएगी जब हम ये सोचते हैं उसकी वजह से ऐसा हुआ, अरे उसकी वजह से ऐसा हुआ, अरे उसकी वजह से ऐसा हुआ। नहीं, कभी भी दूसरों की वजह से कुछ नहीं होता है, हमारे ही एक्शंस होते हैं, हमारा ही होता है सारा कुछ किया हुआ, इसी का हम करते हैं। तो अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पहले से ही सीख लो कि जो किया था मेरी जिम्मेदारी है। जब आप दूसरों को ब्लेम नहीं करोगे तो आप टॉक्सिक नहीं होंगे। जब ब्लेम गेम शुरू होगी कि ये अब मेरे से गलती तो हो गई, अब मुझे किसी पे डालना है इसको, है ना, ये ब्लेम गेम शुरू होता है तब वहां। तो ब्लेम डालो मत किसी पे। जब आप जिम्मेदारी लोगे तो आप टॉक्सिक नहीं होगे, क्योंकि जिम्मेदारी जब तुम्हारी थी उस एक्शन की जो भी खराब हुआ, तो अब यू कैन नॉट बी टॉक्सिक फॉर योर सेल्फ। टॉक्सिक हम तभी होते जब हम ये मानते हैं उसकी गलती थी, उसकी गलती नहीं थी, गलती हमारी थी, राइट। सो चेंज योर माइंडसेट इन दैट, उसको लाना पड़ेगा बाहर निकाल के, राइट। Mom, I have one question that I have a very, very bad habit of, you know, sticking to one particular thing, whether it is a person or anything which is very close to me, I can't overcome that thing. If there is something which is very special to me and it is going far away, like I'm never going to see that thing again. So I have a very bad habit to not letting that thing go. So what can I do to, you know, take that habit off? That is very bad of my side. I don't like that habit of mine. Okay. मतलब बहुत ज़्यादा attachment है। बहुत ज़्यादा। हाँ। और ये पूरा संसार कहता है कि मोह माया छोड़ दो। क्या दो सब चीज़ है ना? And it's not really easy. It is practice and experience. Yes, yes. धीरे धीरे practice से आएगा और अपने आप में confidence बढ़ाना है। हम cling कब दूसरों को करते हैं? जब हमें ये लगता है कि हमारी इस जरूरत के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, हमारे इस काम के लिए हमें ये चाहिए, हमारे उस काम के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। When we think in those terms, तब हमें ऐसा लगता है कि जिस जिस की हमें जरूरत है हमें उसका साथ, हमें वो अपने पास चाहिए, राइट। और इसमें कहीं ना कहीं ये डिस्प्ले हो रहा है कि हमें अपने आप पे कम भरोसा है, दूसरे पे ज्यादा भरोसा। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, यस, व्हाट यू नीड टू डू इज अपने आप पे भरोसा कि ये भी मैं कर लूंगी, वो भी मैं कर। हर चीज को एक बार शुरू करने की बात है। वंस यू स्टार्ट अ थिंग, एक बार आप शुरू करोगे, देन यू विल नो कि इट वॉज सो इजी। अरे यार, मैंने इतने साल से किया ही नहीं, ये तो आराम से कर सकती थी, मैं कुड हैव बीन इजीली डन। मैं दूसरों पे क्यों हमेशा, जैसे अपने भाइयों को कहते हैं, हमारे यहाँ लॉन में से घास काटनी पड़ती है, मोर चलाना पड़ता है, हम हमारे बेटे पे डिपेंडेंट होते हैं ऑलवेज, वो करेगा उसके, वो बहुत ही हम बटर लगाते रहते हैं, अरे बेटा कर दे। हमने कभी कोशिश नहीं की। द डे वी ट्राइड, माई डॉटर एंड आई, इट वॉज सो फन, है ना, बाहर धूप में जाओ अच्छे से, और मैकेनिकल है पूरा, उसको मशीन से चलाना है, बट हम कोशिश ही नहीं कर रहे थे, और इसके लिए हमें लग रहा था कि अच्छा हमें उसकी जरूरत है, हमें उसकी जरूरत है। द डे वी ट्राइड इट, वी डिड बेटर देन हिम, उससे भी अच्छा कर लिया, तो हमें उसकी अब जरूरत नहीं पड़ने लगी, उसको बटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, अच्छा मत कर जा हम कर लेंगे, ओके। एंड वी स्टार्टेड एंजॉयिंग इट, हमने अपना वीकेंड का वो रिचुअल बना लिया कि हर वीकेंड को आधा एक घंटा बाहर पास करेंगे और अच्छा से लॉन को बढ़िया सुंदर बनाएंगे, राइट। सो इट इज अप टू अस कि कैसे, और धीरे धीरे डिटैचमेंट होगा। अपने आप को बिजी रखना पूरे अपने 24 घंटे के लिए, अपने पास कुछ ना कुछ काम होना चाहिए, नॉट टू वेस्ट टाइम एट ऑल। जो टाइम है वो बहुत ही प्रेशियस है, चाहे आप रीड करो, चाहे आप एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो, वॉक करो साइलेंटली, मेडिटेशन करो, मतलब फिल इन योर गैप्स, जो गैप्स भी है छोटे छोटे, उसको अननेसेसरी गंदी गंदी सीरियल्स देख देख के टीवी पे और उसका टाइम पास मत करो, राइट। जो मीनिंगलेस है, आज से 10 साल पहले जो सीरियल्स देखी होगी याद भी नहीं होगा उसमें क्या हुआ था, याद है नहीं, पर बैठ बैठ के सोफा पे टीवी के सामने और कितना ही समय हमने बर्बाद किया।
my right? Right, तो वो सारा कोई भी काम नहीं आएगा, वो कुछ भी काम नहीं। मूवीज आप सोचो, अभी 10 साल पहले की मूवीज आपको याद है, कुछ स्टोरी याद भी नहीं होगी कि क्या है क्या है। कई बार तो अब ऐसा भी हो जाता है कि वो मूवी देखी है कि नहीं देखी है वो भी याद नहीं होता है हमें, ऐसा भी हो जाता है। राइट, इतनी मूवीज की भरमार हो जाती है। सो इट डज नॉट हेल्प, ऑल दिस थिंग्स डज नॉट हेल्प। कीप योरसेल्फ बिजी, ग्रो योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिलीव दैट यू कैन डू एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। जब आप दूसरों पे भरोसा नहीं करोगे, सो दैट डिटैचमेंट स्लोली स्लोली डिटैचमेंट आ जाए, स्लोली। राइट, और बताएं नेहा, तुम्हारे पास और क्वेश्चन नहीं है? एनी मोर क्वेश्चन? आई वांट टू ऐड अप वन मोर। यस, आई वांटेड टू ऐड अप वन मोर थिंग। When I do a certain thing with the total focus on it, when I'm about to end it, like I'm about to achieve that thing, that particular thing, I lose interest in that. I don't know what it is exactly, but I lose interest on the very peak moment, the very moment I need to give my 100%. Like it is about 99% done and only 1% is left. And that moment I just lose that interest. अब तो हो ही जाएगा, छोड़ो अब करके type वैसा हो जाता है. I want to overcome that. कई लोग ऐसे होते हैं, कोई project हाथ में लेते हैं, मैंने देखा है अपने बच्चों में भी ये देखा है कि वो करते 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 बीच में जो छोड़ दिया तो फिर वो छूटा, तो वो छूटा ही पूरा है नहीं हुआ। इसके लिए आपको वो गोल ओरिएंटेड तो होना पड़ेगा। यू हैव टू थिंक, नहीं आई हैव टू मेक इट थ्रू, दिमाग लगा के भी। अभी बोरिंग भी हो गया, एक्चुअली बोरिंग हो जाता है तब, एट दैट पॉइंट व्हेयर यू लीव इट, वहां वो चैलेंज खत्म हो जाता है, क्योंकि वहां आपको पता चल गया कि आप अभी ये कर ही लोगे। पर नहीं, वो सस्टेनेंस भी चाहिए। यहाँ आपकी कंसिस्टेंसी की बात आई कि भले ही वो चैलेंज खत्म हो गया, ये चैलेंज को मैंने ओवरकम कर लिया, लेकिन ये कंप्लीशन भी एक चैलेंज है। कंप्लीशन को देन यू टेक इट एज अ चैलेंज कि इसको मैं नहीं करूंगी तो ये अधूरा ही पड़ा रहेगा। लाइक नेटेड पर्स बनाना या कुछ मेरे बच्चों ने कुछ अपने स्कूल लेवल पे कुछ लिया होगा, बस वो अधूरा ही लास्ट में कुछ करना है वो छोड़ दिया, फिर वो पड़ा है पैकेज बन के अंदर, फिर कहीं एक बार अलमारी साफ होगी तो वो निकलेगा, वो निकलेगी, भी करना ये भी करना, फिर वापस वो अंदर जाएगा, है ना, दैट वे। सो नो, जो कंसिस्टेंसी है उसको भी पूरा करने का भी वो भी एक चैलेंज है, और ये बहुत ही अच्छी आदत होनी चाहिए। अच्छी आदतों में से कोई भी चीज को एक अपने लॉजिकल एंड तक पूरा करो, उसको टेक इट टू इट्स लॉजिकल एंड, उसको छोड़ो मत, अधूरा मत छोड़ो कभी भी किसी भी चीज को। राइट, सो मच मैम। एनी अदर क्वेश्चन? साहिद, एनी क्वेश्चन? निहार, Zahid, any question? No, ma'am. Nihar? No. Avanshika? Raman? Kesari? Kesari? Zahid, any question? No. Any question, Kesari? No, ma'am. Good evening, question, nobody. Sumit? Lakshman? Any question? Lakshman कहाँ बैठा हुआ है? Lakshman का तो फोटो है। उसका फोटो लगा के, हाँ, this is the final video. अच्छा, okay. Any question? Avanshika? Deepika? Zahid कहाँ बैठे हो? हम किसी चीज में इंटरेस्ट कैसे मतलब क्रिएट कर सकते हैं, पैशन? अगर किस चीज में इंटरेस्ट नहीं है, मतलब पढ़ाई में जैसे, तो उस चीज को तो हम करना पड़ता है किसी के प्रेशर से, किसी के मतलब डराने से, तो उसमें इंटरेस्ट कैसे बढ़ा सकते हैं? प्रेशर और डराने से तो मत लाने दो, यू नो, यू थिंक अबाउट हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प यू। एज आई सेड कि कोई भी चीज आपने कहीं भी सीखी है, छोटी भी चीज,
वो कभी भी वेस्ट नहीं जाती है, ये आपके एक ओवरऑल पर्सनालिटी में जुड़ती जाती है हर एक चीज, हर एक छोटी छोटी चीजें जो आप, जैसे मेरे पास आप सर्टिफिकेट्स देखोगे पूरी लाइफ में जितनी मैंने किए हैं, तो कभी कोई स्विमिंग का सर्टिफिकेट है, तो कभी कोई है, तो कभी कोई है, इट हैज ऑल एडेड टू माई पर्सनैलिटी. Tomorrow I am going to go and give a test for driving over here in America. Okay, now I am around nearing 57, 58 years old. आप लोगों को तो जल्दी मिल जाएगा. लेकिन since I have not driven any vehicle in India, अभी ये मेरे लिए एक नया challenge है, right? So now you may think also कि अब मुझे job नहीं करनी है, मुझे कुछ नहीं करना, फिर मुझे क्यों जरूरत है? But what I am thinking of is in terms of a skill that I am adding one more skill to myself. ना, उसके लिए रोज मैं जाती हूँ, रोज थोड़ा प्रैक्टिस करती हूँ, और अगर मुझे ड्राइविंग आएगी तो उसका मुझे फायदा क्या क्या होगा, है ना? मैं कार लेके कहाँ कहाँ जा सकती हूँ, अपने आप एक्सप्लोर कर सकती हूँ, मुझे किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, मेरे बेटे को नहीं कहना पड़ेगा मुझे यहाँ ले जा, बेटी को नहीं कहना. सो आई हैव फाउंड आउट थिंग्स विच विल इंटरेस्ट मी, उसमें से मुझे क्या मिलेगा, राइट? सेम वे फॉर यू. अब ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी अगर आपको नहीं अच्छा लगता और प्रेशर में आके पढ़ना पड़ता है, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी इतना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, लेट मी टेल यू, एक लिविंग थिंग है, हमारी धरती जिस पे हम रह रहे हैं टेल्स यू एवरीथिंग अबाउट, नॉट ओनली अबाउट द अर्थ बट ऑल्सो अबाउट द होल यूनिवर्स, इजंट इट? कैसे चलती है, कहाँ से वो ट्रांजिट जो है, एक्लिप्सेस हैं और टाइड्स हैं और क्या क्या ब्यूटीफुल चीज है, हर एक के पीछे का साइंस आपको पता है. कल को आपको, मैं अपने बच्चों को भी ये बोलती रहती थी जब क्लास में पढ़ाती थी, कि बड़े हो गए आप, आपकी शादियां होंगी, आपके बच्चे आपको पूछेंगे, यू विल हैव ऑल दी आंसर्स टू ऑल दी क्वेश्चंस, कि टाइड्स क्यों होती है, ये दिन और रात क्यों होते हैं, ये सीजंस क्यों चेंज होती है, ये सब पता, आप इस धरती पे आए हो, शुडंट यू नो अबाउट दिस? ये सब पता नहीं होना चाहिए. तो ये पता करने के लिए क्या है, आपके पास वो सब्जेक्ट है, आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, हिस्ट्री पढ़ना, हिस्ट्री से आपको पूरे पास्ट में हमारे जो एंसेस्टर्स हैं हजारों साल पहले क्या किया, उन्होंने कैसे जिए, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे रहते थे, क्या उनका रिक्रिएशन था, क्या कल्चर था, ये सारी चीजें अगर आपको पता चलती है, एंड देन यू लर्न द होल एवोल्यूशन, कि आप इतना इवॉल्व होके यहाँ तक आए हो, कितना नॉलेज है, इतने नॉलेज से इसके लिए आपको कोई जबरदस्ती कैसे कर सकता है, कि आपको आपके प्रेशर कैसे डाल सकता है. कमिंग टू लैंग्वेजेस, समझो इंग्लिश पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, आपने ये सब पढ़ लिया, हिस्ट्री आपको आ गई समझ में, मैडम ने बताया, ज्योग्राफी आपको आ गई, अब सवाल है कि आपको ये लिखना है, आपको लिखना है अपने क्वेश्चन पेपर में, आंसर पेपर में. अगर आपके पास भाषा का व्हीकल नहीं है, आप इसको एक्सप्रेस कैसे करोगे? भाषा में इतना जादू है, शब्दों में इतना जादू है, इतना असर है, कि कहने वाला अपनी बात जब आपको कहे, आपको सीधा दिमाग से, कान से सीधा दिल में उतर सकती है ना, एक एक शब्द में ऐसा मिठास घोल के आप बोल सकते हो, राइट? तो इतने शब्दों में इतना जब जादू है, तो शब्द सीखने नहीं चाहिए हमको, भाषा आनी नहीं चाहिए, कैसे हम अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, कैसे हम लिखेंगे, कैसे हम बात करेंगे, राइट? सो ये तो आपका टेस्ट है, ये आपको लर्न करना है. अब कौन सा ऐसा सब्जेक्ट बचा जो आपको आपको कोई जबरदस्ती पढ़वा लेगा? कौन सा सब्जेक्ट बचा? हिंदी है, हिंदी सेम भाषा का व्हीकल मैंने जैसे बताया. इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स पे तो पूरी दुनिया चलती है आजकल, इंडिया की इकोनॉमी का तो हाल आपको पता होगा, है ना? तो कितना इम्पोर्टेंट हो गया इकोनॉमिक्स आपको डे टू डे लाइफ के लिए, इम्पोर्टेंट हो गया कि कैसे अभी हमारी इकोनॉमी इससे उभरेगी, कैसे बाहर होगी, कैसे बैंक्स क्या करेंगे, इंश्योरेंसेस क्या करेंगी, हम क्या करेंगे, हमारी इनकम का कितना हिस्सा कहाँ जाएगा, अब जो इकोनॉमी इतनी डाउन हुई है कैसे होगा, राइट? सो इट इन्वॉल्व्स ऑल ऑफ अस, ये हमारी जिंदगी है, जीना है. तो कोई भी चीज ऐसी नहीं हो सकती जो आपके थोपी जा सकती है, उसमें इंटरेस्ट जगाना, हमारे मन को हमको जगाना है, राइट? कोई भी चीज अच्छी और बुरी नहीं होती, जैसे मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले, शेक्सपियर ने बहुत साल पहले कहा था, लेकिन सही कहा था, अच्छी बुरी चीजें नहीं है, अच्छी बुरी हमारी सोच है, हम इसको किस मन से, किस सोच से ले रहे हैं, हम कैसे ले रहे हैं, है ना? हम अच्छे से लेंगे, हम उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को देख करके उसी को इम्बाइब करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे लिए हर चीज अच्छी हो जाएगी, हर चीज अच्छी बन जाएगी, राइट? Got your answer? कुछ समझ आ रहा है कि नहीं? Yes, ma'am.
Any other question? Thank you, ma'am. Any other question? No question. No question? Okay. Okay. Thank you. One of you give vote of thanks to ma'am, please. Anushka, Khushi, any one of you, Roma, Raman, kaun bolna chahe? Roman, should I? Aapne. Thank you very much, ma'am. Khushi, aap bolo. Thank you so much, ma'am. Thank you all for listening to me at this time. Time का थोड़ा कंफ्यूजन था, हमारा तो सुबह है लेकिन आपका शाम है और आपको आराम करने का समय होगा, लेकिन मैंने सोचा सिंस ये सब्जेक्ट नहीं है ऐसे ही वन टू वन टॉक है, वी कैन ऑलवेज टॉक इन द इवनिंग ऑल्सो, राइट? आई होप इट वॉज नॉट अनकन्वीनियंट फॉर ऑल ऑफ यू. इनकन्वीनियंट नहीं था सबके लिए? यू ऑल आर मोस्ट वेलकम. आपको कभी भी बात करनी हो मैडम के थ्रू, यू ऑल कैन टॉक टू मी एनी टाइम. Thank you. Yes, ma'am. Thank you for coming on the platform all the way, literally across the whole. Yes, but I enjoyed every moment of it. I love children, and God bless all of you. And may you all be successful in your lives, in your career, in whatever you decide to do for yourself. So be happy and be successful at all times. Okay. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you. Good night, all of you. Good night. Good night. Thank you, ma'am. Good night. Bye-bye. Take care. Good morning, ma'am. Bye-bye. Okay. Okay, bye.